हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज एक एक्टिविटी करते हैं। यू हैव टू एड सेल्फ। मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा तो आपने उसमें सेल्फ ऐड करना है। जैसे मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, आई राइट आई, आप जोड़ दीजिए कैसे सेल्फ इसमें प्लस होगा। दूसरा मेरा वर्ड है यू, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और फिर मैं थर्ड पर्सन स्टार्ट कर रहा हूं। ये सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में कर दिए थे, जिसमें आई मैं खुद शामिल होता हूं। तो सबसे नंबर वन फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने वाला सेकंड, और बाकी सारी दुनिया थर्ड। थर्ड पर्सन में मैं स्टार्ट करता हूं, आप ही ले लीजिए। एड सेल्फ टू इट, देन वी कैन राइट शी, इट, ये सारे के सारे। यहां से फिर अब हम ही शी इट, इन तीनों का अगर हम प्लूरल लें तो दे आ जाएगा। यू का प्लूरल लें तो यू आ जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है यू का, और आई का प्लूरल हो जाएगा वी। ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। ओके, अभी देखते हैं आपने जो सेल्फ इसमें ऐड किया है तो क्या बनता है। आई को जब हम अपने में सेल्फ ऐड करेंगे तो इट विल बिकम माई सेल्फ। अगर हम यू में सेल्फ ऐड करेंगे तो इट विल बिकम योर सेल्फ। ही में सेल्फ करेंगे तो इट विल बिकम हिम सेल्फ। शी में सेल्फ ऐड करेंगे तो हर सेल्फ। इट में सेल्फ ऐड करेंगे तो इट सेल्फ, एंड इन द सिमिलर वे दे में ऐड करेंगे तो देम सेल्फ। देखिए, जहां से ये प्लूरल स्टार्ट हुआ है, सेल्फ का भी सेल्फ बन गया है, ये भी एफ कोट आके VES, इसका भी प्लूरल हो गया देम सेल्स। अगेन यू का अगर हम प्लूरल करेंगे तो योर सेल्स, और फिर वी का आ गया आवर सेल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ये सेल्फ इसमें ऐड क्यों किया है। तो इसका क्या कारण है कि जब भी कहीं पर किसी भी वर्ड पे आपको यहाँ सेल्फ ऐड हुआ दिख जाए तो इट मींस कि वो सारा का सारा जो है वो काम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव होता क्या है? रिफ्लेक्ट करना, वापस आना। जब सिंपल अगर हम पैटर्न करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब भी वर्ब का कोई भी एक्शन वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स करे, माई सेल्फ, खुद, इसके लिए वर्ड आता है सेल्फ का स्वयं। तो उसके हिसाब से दिस इज अ वंडरफुल, हमारे लिए पहचान बन जाती है, इंडिकेशन हो जाता है कि अगर सेल्फ है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस है। और यही थी हमारी नाइन्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, कि जब कोई भी वर्ड वापस घूम कर सब्जेक्ट के पास आता है, अपने आप पर रिफ्लेक्स करता है, तो इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थैंक यू।